नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये आप जो दोनों फोटोज देख रहे हैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह की, आज की फोटोज हैं। आज जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, 34वां दिन आज उनका गिरफ्तारी के बाद में, इतने दिन रिमांड पे रह रहे हैं लेकिन फिर भी इस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। इसी को लेकर उनकी बेटी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, 34वां दिन दिनांक 31/5/2022, आज कोर्ट में पेशी के दौरान पापा जी यातनाएं प्रताड़नाएं सब करके देख लिया, लेकिन आज भी एक ईमानदार अधिवक्ता मुस्कुरा रहे हैं। आज जब मैं उनसे मिली तो बोला कि सबको पता था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, अभी भी सबको पता है मैं गलत नहीं हूं, लेकिन जब हमने ईमानदारी का रास्ता चुना है तो परेशानियां तो आएंगी ही, पर यह वक्त भी गुजर जाएगा। ये कहना है गोवर्धन सिंह का। उनकी बेटी उनसे मिली है, उनकी बेटी ने ये बात बताई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उनका पेज है एडवोकेट गोवर्धन सिंह का, पेज बंद हो चुका आपको पता है, उसके बाद में ही ये पेज बनाया गया है उनकी बेटी ने। और आज जो पोस्ट किया है उन्होंने यही बोला है कि उनको पता है कि वो ईमानदार हैं और जब ईमानदारी का रास्ता चुना है तो परेशानियाँ तो आएंगी ही। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी वजह से केसेस से डर गए हैं या इतने दिन रिमांड में हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसी बात नहीं लग रही है। अब वो केसेस किस तरीके के हैं, उनका क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, जांच में क्या निकल कर आएगा, वो तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन उनके चाहने वाले, उनके साथी ये हमेशा कह रहे हैं कि एडवोकेट गोवर्धन सिंह निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है और उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो आज एडवोकेट गोवर्धन सिंह की पेशी थी। एडवोकेट गोवर्धन सिंह के बारे में और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहें लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।